और अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरुण चौरसिया जी, न्यूज रूम से लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। अरुण जी, जैसे ही द्रौपदी मुर्मू की जीत की खबर मिली, बिहार झारखंड समेत तमाम राज्यों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उड़ीसा में भी लोगों ने जमकर उत्साह मनाया द्रौपदी मुर्मू की ऐतिहासिक जीत पर। निश्चित रूप से उड़ीसा और झारखंड से उनका खास जुड़ाव रहा है। उड़ीसा उनकी जन्मभूमि है और वहाँ उन्होंने वार्ड स्थानीय वार्ड सदस्य लेकर मंत्री और विधायक रही हैं, उनका कार्यक्षेत्र रहा है। यही वजह है कि उड़ीसा के लोग काफ़ी उत्साहित हैं, खुश हैं। उनकी उम्मीदवारी की घोषणा के साथ ही लोगों ने वहाँ खुशी जाहिर की थी और झारखंड के राज्यपाल के रूप में उन्होंने काम किया था। तो यही वजह है कि झारखंड और विशेषकर झारखंड आदिवासी बहुल इलाका है और द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती है। यही वजह है कि आदिवासी समाज के लोग विशेष रूप से खुश हैं। और इस बार राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को ऐतिहासिक जीत मिली है। जितनी उम्मीद की जा रही थी वोटों की, उससे ज़्यादा वोट उन्हें मिली है और विपक्षी दल के सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग करके भी उन्हें अपना समर्थन दिया है। विशेषकर जो महिला वोटर थी, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो। और इस बार पहली बार देखा गया कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद बीजेपी ने इसको भी एक इवेंट के रूप में मनाया। अभी तक की जो परंपरा रही है, राष्ट्रपति का जब चुनाव हो जाता है, चाहे वो सत्ता पक्ष से जुड़े हों या विपक्ष से, वो जब चुने जाते हैं तो पूरे देश के राष्ट्रपति हो जाते हैं और इस तरह का इवेंट कभी नहीं होता था, जश्न नहीं मनाया जाता था। लेकिन इस बार बीजेपी ने इसको इवेंट के रूप में मनाया। दिल्ली के साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में जिला मुख्यालय में जश्न मनाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला, पटाखे फोड़े, रंग गुलाल उड़ाया। तो ये पहली बार देखा गया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होने के बाद अब उपराष्ट्रपति की भी तैयारी हो गई है। और जिस तरह से देखा गया कि राष्ट्रपति चुनाव में शुरुआती दौर में ममता बनर्जी जिस तरह से एक्टिव हुई, लेकिन द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद उनकी एक्टिविटी जो है वो कम हो गई थी, उसी तरह उपराष्ट्रपति के चुनाव में देखा जा रहा है कि विपक्ष एक साथ शायद नज़र नहीं आवे, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा है कि उनके जो सांसद हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। यानी जो उपराष्ट्रपति का जो विपक्षी यानी कांग्रेस की तरफ से जो मार्गेट अल्बा को उम्मीदवार बनाया गया है, तो उन्हें जन समर्थन सभी विपक्षी दलों का भी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो एनडीए यानी बीजेपी की तरफ से जो जगदीप धनखड़ जो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रहे हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है और उनकी जीत पर बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल देखा गया। कार्यालय के बाहर आदिवासी समाज की महिलाओं ने नृत्य किया और खुशी का इजहार किया। तो वहीं बीजेपी महिला मोर्चा के नेताओं ने आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ जमकर डांस किया। इस दौरान डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद, रेणु देवी भी जश्न के माहौल में झूमते दिखी। वहीं कशिश ने उससे बात करते हुए डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने कहा कि हम सभी को उम्मीद है कि द्रौपदी मुर्मू रिकॉर्ड वोट से जीतने का काम करेंगी ही, क्योंकि दलगत भावना से ऊपर उठकर तमाम दल के नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। देश की पहली महिला कि आज मेरी जनजाति की महिला आज राष्ट्रपति बनी है और हम महिला समाज के लिए बहुत बड़ी बात है और हम प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देते हैं। देश को सबसे बड़ा संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के पदों पर समाज के सभी तबके के लोगों को देखते बैठाना चाहती है, जिससे हम एक बड़ा संदेश दे सके। और जनजातीय समाज के साथ साथ वो महिला उम्मीदवार भी हैं, ये और भी एक दोहरा एक अवसर है कि समाज के इस वर्ग के महिला उम्मीदवार को बनाकर आज राष्ट्रपति वो निर्वाचित होने जा रही हैं। इससे बड़ी अच्छी बात और देश के लिए नहीं हो सकती है।